राजकोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहा आए। सो तो एक कबीर है जननी जने नम। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक। पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही। दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते, और मैं सत भक्ति करता था भगवान पर विश्वास करके, दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नज़र में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब जुल्हा सुदर थे। और अब पता चला क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लड्डू कचौड़ी सेब संतरे काजू किशमिश जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कल जा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था, वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की